और हम दोनों में एक बात कॉमन है कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से हैं और दोनों दर्द रखते हैं अपने जूनियर्स का, अपने यूनिवर्सिटी वालों का। हमने एक छोटा सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, सुमेरा ने इसको सजेस्ट किया है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन के हवाले से एक छोटा सा प्रोग्राम करें कि हमारे जो एग्रेरियन दोस्त हैं वो और सब लोग फायदा उठा सकते हैं, खुसूसी तौर पे हमारे एग्रीडियंस फायदा। अस्सलाम वालेकुम सुमेरा, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने का। जी वालेकुम अस्सलाम, आपका बहुत शुक्रिया। क्योंकि आपसे थोड़ी डिस्कशन हुई और आपने इस चीज़ को इनकरेज किया, तो थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए और इस टॉपिक को इतनी अहमियत देने के लिए। बड़ी नवाजिश। अच्छा, अभी अगर हम इसको शुरू करें यूनिवर्सिटी से, आप इसको खुद से ही टेकअप कर सकती हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी में आपको क्या क्या लगता है कि कैसे स्टूडेंट्स जो है वहाँ ग्रूमिंग में कोई मसला है, वहाँ एनवायरनमेंट में कोई मसला है, लोग ग्रो नहीं कर पाते, या कैसे आपकी फीलिंग क्या है? जी इसमें मेरी फीलिंग्स बहुत वाजिया फीलिंग्स हैं, क्योंकि ठीक है हमारे इदारे अच्छे हैं, वो ट्राई करते हैं यहाँ कि हमें जितना अच्छे से अच्छा नॉलेज दे सकें, हमें साउंड सिटीज़न बना सकें, रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, और हमारी अच्छी प्रोफेशनल ग्रूमिंग कर सकें, वो अदा करने की कोशिश करते हैं वो किरदार। लेकिन यहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा लूप होल्स हैं। अब लूप होल्स ये है कि मैंने उस दिन भी बात की थी अपने लाइफ के अंदर भी कि जो बाकी इदारे हैं या बाकी आपके वॉक ऑफ लाइफ हैं, जैसे मैनेजमेंट साइंसेज हो गया या कोई भी दूसरे जो हमारे प्रोफेशंस हैं उनके अंदर ज़्यादा बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है ग्रूमिंग को और कॉन्फिडेंस को, और स्टूडेंट वो जब प्रोफेशनल लाइफ में इंटर होंगे तो वो किस तरीके की पर्सनैलिटी लेके इंटर होंगे। लेकिन माजरत के साथ हमारे यूनिवर्सिटीज़ में पर्टिकुलरली ये जो ज़रात का जो एक सेक्टर है एग्रीकल्चर के अंदर, अभी तक इस चीज़ को इतना ज़्यादा मॉडर्नाइज नहीं किया गया है। वो हम सुनते तो हैं कि वो एक जो नया एक वो मोटिव आया हुआ एक नई प्रभाव आई हुई है कि नॉट कन्वेंशन नाउ इन्वेंशन, बट ये है कि वो बातें सिर्फ मफरूज़े और कहानियों की हद तक हैं। ये बना देते हैं, ये ट्यूटोरियल ग्रुप वगैरह भी बने हुए हैं, CDC वगैरह भी बना हुआ है, उनमें से बहुत सारे लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं वहाँ पे। लेकिन एक वो तो ना एक मुकम्मल तौर पे जिसको हम कह सकते हैं कि हम यकीन के साथ के बहुत अच्छा काम हो रहा है, तो वैसा काम नहीं हो रहा है। इवन टीचर्स की जो आप कह लें ना, स्टूडेंट्स तो दूर की बात है, टीचर्स की अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वही अभी ग्रूम होने वाली हैं। उनको अभी तक सही तरीके से कितनी बात करनी है, कितना मजाक करना है, कितना नहीं करना। इवन बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि वो ह्यूमरस होने के चक्कर में स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस सारे का सारा गिरा देते हैं। वो क्लास में जोक करते हैं, फिजिक को लेके, कोई छोटा है तो ओए छोटे, ओए मोटे, और इस तरह के एक जातियात पे उतर के जो जोक करते हैं, तो वो उनको नहीं पता होता कि वो किसी स्टूडेंट की लाइफ को आगे क्या इफेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है कोई बहुत अच्छा बोल, सुमेरा वापस यूनिवर्सिटी को नहीं जाना, आपने ऐसी बातें कर रही है। नहीं, मैं यूनिवर्सिटी एक इस तरह यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रही, मैं जनरल हमारे साइकी की बात कर रही हूँ। हमारा जो एक माइंडसेट बना हुआ है ना कि हमें लगता है कि हम ह्यूमरस तभी होते हैं जब किसी को छोटा मोटा, किसी की जातियात पे उतर के कोई इस तरह की बात करें, तो ये हम एक पूरे इंसान की साइकोलॉजी को हिट कर रहे हैं। अगर एक बंदा बोलना चाहता है और उसको अच्छा नहीं बोलना आ रहा अभी इस वक्त, मेबी विद द पैसेज ऑफ टाइम एफर्ट्स के साथ एक वो बहुत अच्छा बुलार बन जाए, एक बहुत अच्छा डिबेटर बन जाए, एक बहुत अच्छा स्पीकर बन जाए, लेकिन बहुत सारे उस्ताद जो हैं, टीचर्स जो हैं, माजरत के साथ वही उस बच्चे को वो पंजाबी में आगे से बात करके तो रहंदा नहीं अड्डा वड्डा, वही से बात ही यहाँ से शुरू करते हैं। तो मेरा एक ये चीज़ है कि जो हमारे नौजवान यूथ हैं, जो बच्चे हैं, उनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है, उनको नरिश करने की ज़रूरत है। हमारी जो सोसाइटी का यूथ है उनके अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं और साथ साथ साइकोलॉजिकल ये डेफिशिएंसीज हैं। हमारे वो ट्रेट पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं ना, जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट एक पर्सनालिटी ट्रेट है, इस तरीके से वे ऑफ स्पीकिंग, आप कैसा बोलते हैं, आप कैसा रिएक्ट करते हैं, हर चीज़, आप कैसे खाते हैं, आपके वो मैनर्स ट्रेट्स वो आपकी पर्सनालिटी बनाते हैं ना। तो हमने कभी ये वर्ड्स जो है ना इनको प्रॉपर गौर से सुना ही नहीं है, समझा ही नहीं, इसके बारे में बात ही नहीं की है। तो मैं बहुत मुझे दर्द दिल मुझे मेरे दिल में दर्द होता है जब इतने सेंसिटिव टॉपिक्स के ऊपर कोई बात नहीं करता। और जो है यही वजह है कि मैं चाहती हूँ कि ये हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर
रिसर्च को फोकस किया जाए, पर्सनालिटी ग्रूमिंग एंड डेवलपमेंट को फोकस किया जाए, और इसमें वो लोग लाइक आगे आए जो वाकई इन टॉपिक्स को समझते हैं। मैं माजरत के साथ वहाँ समझते हैं कि अगर कोई बंदा अच्छा बोलना जानता है ना, तो लाइक दैट ही और शी इज नथिंग। आई मीन लाइक ये बहुत बड़ा आर्ट है, लाइक अगर आपको बोलना आता है, आपको समझाना आता है, आपको बताना आता है, तो मैं यही चाहती हूँ कि हमारे जो अच्छा, है ना। नहीं, इसमें एक एक टॉपिक मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। हमारे एग्री में इन जनरल आप बात कर रहे थे, लेकिन लड़कियों के हवाले से पर्टिकुलरली वो तो उससे बड़ा इशू है, क्योंकि नॉर्मली लड़कियां तो हिम्मत ही नहीं करती ना, मतलब कि वो बाहर आए, और उसकी उसकी वजह आप बेहतर बता सकती हैं कि लड़कियों के हवाले से पर्टिकुलर क्या इश्यूज है वहां पे हमारे माहौल में। पहले तो हमारे जो मुआशरे के अंदर जो है ना, बेचारी एक लड़की, उसको मैं ये नहीं कहती कि हमारे मुआशरे का मर्द बुरा है, मैं कोई फजूल किस्म की फेमिनिज्म की बिलीवर नहीं हूँ। मैं मानती हूँ कि हमारे मुआशरे के मर्द बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव भी हैं, सब कुछ है, लेकिन एक अगर हम मेजॉरिटी ट्रेंड देखते हैं ना, तो हमारे मुआशरे के अंदर औरत को अभी तक ना वो जिस्म से और इस चीज़ से ऊपर समझा ही नहीं गया है, माजरत के साथ, वो एंटरटेनमेंट और अभी भी। और अगर कोई बेचारी लड़की अगर कोई बात करना चाहती है ना, तो वो डरती है, सहम जाती है, क्योंकि उसको आगे से क्लास में जिस तरीके से मॉक किया जाता है लड़के, उसका मतलब अगर कोई लड़की पॉइंट रखती है ना, मुझे मुझे खुद फेस मैंने किया है, लाइक मेरी क्लास में एक लड़के ने जस्ट बैचलर्स में हम लोग थे, ही वॉज ट्राइंग टू बी लाइक वेरी कूल टाइप ऑफ गाय, तो उसने क्लास में लाइक वो लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए और अपना वो टहका दिखाने के लिए, तो उसने आके लिखा टुमारो दिस असाइनमेंट विल बी सबमिटेड टू द प्रोफेसर, और प्रोफेसर बाद में आया, तो प्रोफेसर ने कहा कि मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की थी। तो मैंने उससे पूछा प्रोफेसर से कि सर आपने कोई ऐसी असाइनमेंट दी थी कल, हम बना के ले आए, हम तो लाइक मासूम लोग, तो वो बोलते नहीं थी, प्रोफेसर कहते कि मैंने ऐसी कोई असाइनमेंट नहीं दी, तो वो लड़के, मैंने कहा सर दैट पर्टिकुलर लाइक गाय टोल्ड अस, तो आप उससे पूछें, तो उन्होंने लाइक नाम रख लेते हैं, लाइक किसी का नाम कपड़ों की बेस पे, किसी भी चीज़ पे अगर कोई लड़की बात मुंह से बोल देना एक कोई ऐसी लाइक डिस्कशन के अंदर, तो वो उसका नाम बन जाता है। फिर हॉस्टल्स में बाकायदा उस बेचारी की लाइक जो है वो शान में जो कसीदे पढ़े जाते हैं, और वो लड़कियाँ इस चीज़ से डर जाती हैं और फैमिलीज डर जाती हैं। नहीं, देखिए मेरी बात सुने, मैं क्योंकि खुद भी हॉस्टल्स में रहा हूँ, जिंदगी गुजारी है, हम उस चीज़ को ठीक नहीं कर सकते, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कहता हूँ। हम जो जो काम हम कर सकते हैं, नहीं नहीं देखिए मेरी बात, मेरी मैं मतलब रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं हम जो चीज सही कर सकते हैं, हम लोगों को पावरफुल कर सकते हैं, बच्चियों को पावरफुल कर सकते हैं। पिछले अरसे में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ही कुछ ऐसे इश्यूज आए थे कि भी बच्चियों को एक्सप्लॉयट किया टीचर्स इन नंबरों के लिए, और बच्चियां हुई भी, तो मैं डर गया। मैंने कहा यार इतना कमजोर भी कोई बंदा हो सकता है कि चंद नंबरों के लिए वो डर जाए, तो इसका मतलब ये है कि डर का लेवल इतना ज्यादा है। हमने यहाँ पे लोगों को पावरफुल करना है। देखिए ये पहला लेवल मेरे ख्याल ये होगा, रादर के हम कहें कि मतलब हम हॉस्टल वालों को ठीक कर ले, अभी उस पे मेरे ख्याल वो बाद में हम डिस्कशन करें, क्या ख्याल है? मैनेजमेंट की बात नहीं कर रही थी मैं, माइंडसेट की, स्टूडेंट के माइंडसेट की बात कर रही थी, वो जिस तरीके से जाकर डिस्कस करते हैं ना लाइक अपने क्लास फेलोज को, वो जिस तरीके से लाइक वो बातें करते हैं, मैं स्टूडेंट के माइंडसेट की बात कर रही हूँ। उसमें ऑफ कोर्स लाइक हॉस्टल मैनेजमेंट बेचारी का क्या लेना देना उससे, लाइक मैं तो कभी भी किसी को फजूल क्रिटिसिज्म करने के हक में नहीं हूँ, मैं इंडिविजुअल और एज अ लाइक हम कंस्ट्रक्टिव साइड पे चलते हैं, ठीक है? मतलब कंस्ट्रक्टिव साइड क्या है, आपके ख्याल में हल क्या है इसके, कैसे बेहतर? देखिए आपने प्रैक्टिकली वक्त गुजारा और अच्छा वक्त गुजारा, आप डिबेटर डिबेटिंग सोसाइटी की सदर रही और बड़ी धड़ल्ले की सदर रही, मतलब मैंने आपको देखा वहां पे और स्टेज पे देखा कि आपने बड़ा पावरफुली स्टेज को यूज किया, मतलब वो वक्त आपने सक्सेस आपने कैसे ताकत से गुजारा ताकि एक रोल मॉडल के तौर पर लोग देख सकें कि हमने मतलब इनको फॉलो करना है, ये इस तरह की चीज अगर शेयर करें। मेरी आपसे एक गुजारिश है कि मुझे ये लगता है कि जब तक आप हार नहीं मानते आपको कोई हरा नहीं सकता है, और आप निडर हो जाए, बेबाक हो जाए, आपको पता नहीं है, आपको पता है ना कि जब आप गलत नहीं है, आपका जमीर सेटिस्फाइड है, आप अपने खुदा को जवाब दे हैं, और आपने आपको अपने माँ बाप की इज्जत कदर का पता है, आपको अपनी बाउंड्रीज भी पता है कि ये मेरी बाउंड्रीज और इससे बाहर मैंने नहीं जाना है, और आप अपना एक जब करेक्टेड लाइफ गुजार रहे होते हैं, फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी से डरने की, किसी की धमक में आने की, किसी के जो है वो चापलूसी करने की, किसी के पीछे भागने की। आप, मेरा लड़कियों को यहाँ पे एक पैगाम है, प्लीज़ आप अपने आप को इस काबिल बनाएं, इतना पावरफुल बनाएं, इतना टैलेंटेड बनाएं, इतना ज़बरदस्त बनाएं कि आपकी
आपकी वो कहते हैं धमक से लोग डर जाए, लाइक किसी की जुर्रत ना हो कि कोई आपके बारे में कोई बात कर सके, या आपका लहजा, आप, मैं ये नहीं कहती कि कभी भी आप बदतमीज़ हो, मैंने अपने पूरी लाइक यूनिवर्सिटी ड्यूरेशन में कभी बदतमीज़ी नहीं की, लेकिन मेरा लहजा इतना सख्त ज़रूर था, बात करने वाले एक बार सोचता था कि मैं किससे क्या बात करने वाला हूँ। तो मेरा लड़कियों को एक ये मैसेज है कि प्लीज़ लाइक फोकस ऑन योर करियर, आपकी ज़िंदगी सिर्फ एक बार आपको मिली है, और ये जो पढ़ने का और आगे बढ़ने का मौका सिर्फ एक बार मिला है, प्लीज़ खुदारा ये किसी फजूल चक्करों के पीछे, फजूल चीज़ों के पीछे अपने आप को ज़ाया मत करें। आप को खुदा ने बनाया और आपको एक इंडिविजुअल सलाहियत दी है, उसका इस्तेमाल करें माशरे के लिए, अपने घर के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, खूबसूरत सिटीजन बने जो इनकलाब लेके आए अपने माशरे के लिए, अपनी पूरी दुनिया के लिए। अब देखें हमें कोरोना जैसी जैसी नागहानी आफात का सामना है, हम क्लाइमेट चेंज कितना लाइक वो नेचर को छेड़ चुके हैं, तो हमें हमारे प्रॉब्लम जो है ना ये सोचने के हैं। अच्छा जी, देखिए मौजूदात बहुत ज़्यादा है, मैं आपको एक ही उसी मौजूद पे वापस लाता हूँ। अब यूनिवर्सिटी दौर, आपने आपने कहा कि भी लोग मतलब आपने खुद अपने अंदर जोर पैदा करना है, आपकी आवाज़ में दम हो, आपको कोई हरा नहीं सकता, मैं उसका खुलासा ये करता हूँ। ठीक है, यहाँ हम आ गए, आप अपने अपने आप को डिवेल्प कर लिया, अब आगे इसी चीज़ को हमने करियर में कैसे कन्वर्ट करना है। देखिए हमने नहीं, बीएससी कर ली। आपको एक, सॉरी मैं आपकी एक बात यहाँ काटूंगी, आपने ये डेवलप कर लिया लेकिन ये आसान नहीं होगा, आप हर रोज हारेंगे, खुद से टूटेंगे, अंदर बहुत तोड़ फोड़ होगी, ये प्रोसेस आसान नहीं होता है। ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का प्रोसेस जो होता है ना, ये जो स्टोरी ऑफ लाइक ये थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं, तो जब आप अपने आप को पहचानते हो और फिर आप अपने आप से बात करते हो कि हु आई एम, व्हाट इज माय लाइफ पर्पस, तो वो ये प्रोसेस आसान नहीं है। आप बहुत बार हिम्मत हारेंगे, बहुत बार लगेगा यार अब नहीं होता छोड़ दो, बहुत बार लोग हराएंगे, डरे आप डर जाओगे, आपने हिम्मत नहीं हारनी है। लाइक अनलेस अंटिल इट्स नॉट डन, इट्स नॉट डन। लाइक आप हार के भी, वो कहते हैं ना सांस फूला हुआ भी हो और आप अपनी आखिरी वो जो है वो फिनिशिंग लाइन तक पहुंचो, वो कमाल है। ये मत सोचो कि देर हो रही है, ये मत सोचो कि टाइम लग रहा है, हिम्मत नहीं हारनी है। मतलब जितना भरपूर तरीके से जंग जिंदगी के साथ लड़ी जा सकती है, उससे ज्यादा भरपूर आपने लड़नी है। अच्छा नहीं, यहाँ एक रोल और आता है। देखिए अब पावरफुल होने के लिए पीछे फैमिलीज का रोल है। मतलब मैं लेटली एक एग्जांपल देता हूँ। एक उस्ताद साहब हैं, उन्होंने बच्ची को एक्सप्लॉइट कर रहे थे और उन्होंने मतलब किसी हवाले से मुझसे राबता किया और हमने एक एप्लीकेशन तैयार की कि मतलब इस तरह से बच्ची की वालदा के इल्म में था और बच्ची की वालदा पीछे हट गई। उनका अगर मैं ये बात इसके वाले साहब को बताऊंगी तो वो बच्ची को यूनिवर्सिटी से हटा लेंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो इस तरह की फ्रस्ट्रेशन जहां पे हो कि बच्चियां अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर पाती, ऐसे माहौल में कैसे आप इतना बोल्ड हो सकते हैं? कोई ये टिप घुटन है? बहुत हमारे मुआशरे में ये बहुत बहुत ज्यादा घुटन है, मैं आपको सच बताती हूँ। 90% जो है ना ये सफेद पोश तबका जो है ये जुल्म बर्दाश्त कर लेता है, ये अपनी इज्जत भी लुटवा लेते हैं, लेकिन ये बोलते ही नहीं है। इनकी सबसे बड़ी खामी ये है, हम गंद बर्दाश्त नहीं करते अगर नजर आ रहा है, अंडर द कारपेट उसके ऊपर जो है ना सफाई हो, ऊपर हम जो है वो कारपेट डाल लें, फिर हम ठीक हैं। तो मेरा ये है कि हमारा ये है कि माँ बाप का बेचारे वो इज्जत का डर कि बच्ची का रिश्ता नहीं होगा कल को, इस खानदान की बदनामी होगी, सोसाइटल प्रेशर कहते हैं ना जिसको लाइक वो। लेकिन अगर माँ बाप थोड़ा निडर हो, बहादुर हो और अपने बेटी को सपोर्ट करे कि कोई कोई मसला नहीं है, जो मर्जी होगा मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तो फिर जमाना भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सारा डर ना रमजान साहब ये हमारे यहाँ पे दिमाग में होता है, ये जो हम ज्यादा सोचते हैं ना लोग क्या कहेंगे, तो वो मैं एक अच्छी बात पढ़ रही थी कि सांस मत लो लोग क्या कहेंगे। मतलब हमने लोगों का जो खौफ इतना ज़्यादा सवार किया हुआ है ना सर के ऊपर, तो ये भी मतलब जो है एक बहुत गलत चीज़ है। हम अपने जो है ना करेक्टर पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। मेरा ये एक चीज़ है कि आप बोलो, और वो कहते हैं ना कि जहाद की सबसे वीकेस्ट फॉर्म है कि जब आप दिल में बुरा कहो, लाइक पहले अपने हाथ से रोको, जबान से रोको। तो हम वैसे तो बड़े मुसलमान लाइक दावे करते हैं मुसलमानी के, और जब रियल इन स्पिरिट लाइक इस्लाम को इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तब हम पीछे हट जाते हैं, तब हम जुल्म भी बर्दाश्त कर लेते हैं, हर चीज़ बर्दाश्त कर लेते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा सोसाइटी, वो मैं आपसे बात करी थी ना, माइंड सेट चेंज होने वाला है। ये पूरा सोसाइटी जो है ना ये बहुत सारे सफोकेशन का शिकार है, ये जो हमारे रॉन्ग कॉन्सेप्ट फियर्स घुसे हुए दिमागों की अंदर तक ना
इन्होंने हमारा जेनेटिक स्ट्रक्चर तक तब्दील कर दिया हुआ है। तो अच्छा, ये एक एक सवाल शायद, मतलब अभी आप स्टूडेंट हैं, लेकिन मैंने रिसेंटली एक वेव देखी, जो क्योंकि हम हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग जिन्होंने पीएचडी की, जी सैकड़ों जी कर रहे हैं और सैकड़ों मार्केट में बैठे हैं। अभी जो हमारे एज फेलो हैं वो एसोसिएट प्रोफेसर हो चुके हैं, लेकिन बिल्कुल इस दौर के लोगों में मैं ये उम्मीद करता था कि ये अच्छे उस्ताद बनेंगे और ऐसे उस्ताद जो रोल मॉडल बनेंगे, लेकिन बड़ी शिकायतें आ रही हैं। ऐसे लोग मुझे यकीन नहीं आता कि जिन्होंने पीएचडी की है बाहर यूरोप से, और वही गंद फैला रहे हैं जो कि ऑलरेडी चला आ रहा था। ये माइंडसेट चेंज नहीं हो पाया पीएचडियां करने के बाद भी। क्या एजुकेशन, मतलब अदारों में कोई प्रॉब्लम है कि नमक की कान में जाके नमक हो गए लोग, ठीक है, या एजुकेशन ने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा? कुछ इस पे कमेंट करना चाहेंगे आप? मैं इस पे एक चीज बोलूंगी कि इस दौर की दुनिया से गुजर क्यों नहीं जाते, ये लोग वाह भी क्या लोग हैं, मर क्यों नहीं जाते। कि वाह वाह, ये है कि इसमें वो अब पीएचडी तो 3 साल का, 4 साल का एक ड्यूरेशन है। जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट बचपन से लाइक एक जो साइकी बनी बनी है ना, लाइक आप पीएचडी में जब पहुंचते हो आप 25 साल से ऊपर हो चुके होते हो, 26 27 से ऊपर हो चुके होते हो। तो अब वो जो इतने सालों की एक पर्सनालिटी बन चुकी होती है ना, लाइक वो पैटर्न सेट हो चुके होते हैं, वो ट्रेड्स बन चुके होते हैं, तो वो पीएचडी बेचारी क्या बिगाड़ लेगी। और पीएचडी तो आपकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, वो आपकी पर्सनल ट्रेनिंग तो नहीं है, वो तो आपकी एक रिसर्च ट्रेनिंग होगी। अगर आप रिसर्चर हो, आपकी वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग होगी। तो मसला तो सारा यहाँ पे है, जब तक ये आपकी पर्सनालिटी के ट्रेड सीधे नहीं होंगे, जब तक आप मैक्रो लेवल पे जाके अपने आप को ठीक नहीं करोगे, जब तक ये इंट्रोडक्टरी लाइक कोर्सेज नहीं होंगे कि पर्सनालिटी ग्रूमिंग के डेवलपमेंट के, और पढ़ाने वाले सही वो लोग हों जो वाकई जानते होंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या चीज़ है। वो लाइक वो ट्यूटर सिस्टम ना हो, जैसे यूएफ के अंदर उन लोगों ने किया हुआ था, पता नहीं अब वो चल रहा है या नहीं, कि वो एक हर हर टीचर को एक वो दे देते थे 10 12 स्टूडेंट, और टीचर को खुद नहीं पता होता था, और अक्सर वो लेक्चर जो होता था स्टूडेंट कैफेटेरिया में बैठ के गुजार गुजार देते हैं, और वो लाइक सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर होता है। जब वेस्ट की बात करते हो, जब आप ईस्ट की बात करते हो, आप यहाँ पे जब चाइनीज की बात करते हो, यहाँ पे स्पोर्ट्स के बकायदा कोर्स हैं। आप अंडर ग्रेजुएट तब तक पास नहीं कर सकते चाहे आप क्लास के टॉपर हैं, जब तक आप स्पोर्ट्स कोर्स पूरे नहीं करते। और यहाँ पे रनिंग होती है, हर चीज के लाइक क्रेडिट आवर्स होते हैं, और यहाँ पे सिखाया जाता है लाइक पिंग पोंग, लाइक ये जो होता है टेबल टेनिस, उसके अंदर ये लाइक लेसन बताए जाते हैं कि आपके वीक ट्रेड्स हैं, आपकी स्ट्रेंथ एक है, आप लाइक किस पोजिशन के पे किस एंगल से खेल रहे हो, वो आपका जो स्ट्रांग एंगल है वो आपकी स्ट्रेंथ है, और आपने उस स्ट्रांग एंगल को इतना स्ट्रांग करना है कि आपकी वीकनेस छुप जाए उसके अंदर। अब ये कहाँ हमारे बच्चों को बातें बताई जाती हैं, तो वो बेचारे लाइक उनसे हमें किसी से गिला नहीं है, बस ये हमारे सबके सांझे दुख हैं, और इन सब का मदावा भी हमने सांझा और मिलकर करना है। और इसके लिए यही है कि आप और मेरे जैसे लोग और बहुत सारे लोग इसमें आवाज़ मिलाएं, और हम जो है वो जितना चलो कर सकते हैं, दूर बैठे पास बैठे कोई स्टेप लें, कुछ इसके बारे में बात करें ताकि शऊर पैदा हो, और इसके बारे में स्टेप्स लें, और लाइक जो पॉलिसी मेकर्स हैं हम जितना मर्जी बोल लें, जब तक वहाँ पे वो लोग बैठे हुए हैं उनके कान पे जू नहीं रेंगनी तब तक कुछ नहीं हो सकता। और वो माजरत के साथ, अब मैं उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह खैर करे, बड़ी उम्मीदें इमरान खान के साथ कि वो ऐसे लोग आए जो मेरिट पे फैसले करें और लाइक टैलेंटेड लोग आए, वरना वो नेपोटिज्म लाइक वो भांजा भतीजा भांजे का भांजा वही जब तक एडजस्ट होता रहेगा तो कुछ नहीं होने वाला, माजरत के साथ तब तक कुछ नहीं बदलने वाला। अच्छा, एक हिस्सा हमारा इस मौजू का था, हम कम्युनिकेशन पे बात करेंगे। मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा उस हवाले से बात करते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन, मतलब आपने तो सीख ली, मतलब आपने तकारीर की उस दौर में। आप किस, एक बंदा जिसे नहीं बोलना आता, जिसे कम्युनिकेट करना नहीं आता, वो कहाँ से शुरू करे? मैं कहती हूँ कि आपका अगर दिल कर रहा है ना कि आपने बोलना है, आपके अंदर से ये आवाज़ आती है कि मैंने कुछ सुनाना है दुनिया को, मेरा कोई ख्वाब है, मेरी कोई अधूरी बात है, मेरी कोई गजल है, मेरा कुछ भी है, सुनाएं। मत परवाह करें कि मुझ पे फलां बंदा हंस रहा है, मुझ पे फलां बंदा रो रहा है, लोग लोग हैं। अगर आप ये सोचेंगे कि लोग क्या सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे, तो जो लोग हैं उनको सोचने दो, आप वो करो जो आपने करना है, आप अपने जस्ट फॉलो योर हार्ट। लाइक जो एक छोटी सी जिंदगी है जिसका नहीं पता खुदा मालूम किस मोड़ पे खत्म हो जाए, और उसको जीने का और भरपूर जीने का हक सिर्फ आपको है। और मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है, और मैं हर जगह अपने लाइक वो बोलती हूँ, अभी वकास का इंटरव्यू था उससे भी मैं ये बात कर रही थी, मैंने उससे बात की कि जिंदगी को पी जाओ कि इससे पहले ये तुम्हें खा जाए,
अपने सारे ख्वाब, अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करो इस छोटी सी जिंदगी में। कुछ जो भी प्लान किया है उसको ये मत सोचो, कोई बहुत सारे लोग बहुत अच्छे लिखारी होते हैं, लेकिन उनको लिखना आता होता है, वो अपना एक नॉवल अपने डायरी में पूरी उम्र लेके छुपाते रहते हैं लोगों से कि लोग क्या कहेंगे, नहीं नहीं मैंने किसी को नहीं दिखाना। और यू नेवर नो, लाइक वो आपका मास्टर पीस हो, लाइक कोई अगर उसकी पलक संवार दे, थोड़ा कार्ड झाड़ दे, नो बॉडी इज बॉर्न परफेक्ट। लाइक कोई भी, अगर मैं एक आर्टिकल लिख रही हूँ अखबार के लिए, तो पहला ड्राफ्ट लाइक मास्टर पीस नहीं होगा, लाइक उसमें मेरे दोस्त होंगे जिनको मैं भेजूंगी, वो मेरी हेल्प करेंगे, इसको थोड़ा ऐसे ठीक करो, ऐसे ठीक करो। तो अगर आपको लगता है ना आप सिंगर बन सकते हैं, आपको लगता है आप एक्टर बन सकते हैं, आप फिलोसोफर बन सकते हैं, आप कुछ भी बन सकते हैं, तो आपको पूरा हक है कि आप वो बने। डोंट गो आफ्टर जजमेंट, लोग कभी भी आपको अप्रूवल नहीं देंगे, और लोगों की वैलिडेशन का कभी वेट मत करें, लोगों से वैलिडेशन मत मांगे, खुद को खुद वैलिडेट करें। अच्छा, एक हमारे इनके सोसाइटी में या हमारी यूनिवर्सिटीज में, देसी स्टाइल की यूनिवर्सिटी में, लोग डरते हैं कि अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, और इस वजह से एक बड़ा खौफ है। इस पे थोड़ा सा कमेंट करें, मतलब बच्चों को समझाएं कि मेरा तो ख्याल है कि आप जैसे चाइना में चली गई, अंग्रेजी की तो वहां औकात ही कोई नहीं है वैसे, बाय द वे। नहीं, मेरा प्रोफेसर तो इंग्लिश है, और मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है। मुझे उस पे वो ठीक कोई नहीं, इफ यू वांट टू टॉक टू मी इन इंग्लिश आई कैन डू दैट, लाइक क्योंकि आपने मेरे से उर्दू में बात की, तो मैंने वो, क्योंकि मेरी नहीं, कॉपी से बात। मैं बात कर रहा हूँ कि लोग समझते हैं कम्युनिकेशन एक जुबान है, मीन अंग्रेजी है। मतलब मेरे जहन में ये है कि लोगों को इस बात से खौफजदा नहीं होना चाहिए, उसे उन्हें अगर अच्छी अंग्रेजी नहीं आती। बिल्कुल जी, इंग्लिश एक जबान है जिस तरह दूसरी दुनिया की जबानें हैं, वो ना आपकी नेटिव जबान है ना मेरी नेटिव जबान है। हाँ हमने सीखी है, और हम सीखने के बाद अच्छा बोल सकते हैं, वो हमारा कमाल है, ठीक है। और इसमें अगर आपको कोई आपको पसंद है इंग्लिश, तो आप बोलें, प्लीज डोंट लाइक जो है किसी का वेट मत करें। आप जो है कि आप, ये कोई सवाल आ रहा है, सवाल का आंसर ये नहीं, है कि वो मैं पढ़ देता हूँ। मंजूर साहब कह रहे हैं, इस जी सवाल जी का आंसर ये है कि आई ऑलवेज से सेंटेंस शुड बी तरबियत तो तालीम, नॉट तालीम और तरबियत। तरबियत पहले आती है और मतलब तालीम बाद में आती है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही साहब, आप थैंक यू सो मच लाइक करेक्ट करने का, आप जैसे उस्तादों की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जी। तो उसमें यह है कि हम बात कर रहे थे अंग्रेज़ी, तो उसमें बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं। आप यहाँ पे चाइनीज़ को आप देखें, दे डोंट केयर के लाइक उनको चाइनीज़ अच्छी आती है, ठीक है, वो इंग्लिश सीखने की ट्राई करते हैं, और वो जितनी भी बोलते हैं लाइक दे आर वेरी गुड विद इट, लाइक उनको कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है उस चीज़ को लेके। हमने कुछ चीज़ें ज़्यादा सवार कर ली है शायद, जो हमें ब्रिटेन ने बहुत अरसा रूल किया ना, तो वो हमारी लाइक वो साइकोलॉजिकल लाइक वो चीज़ें हमारे अंदर आ गई हैं, तो हमने इंग्लिश को कोई पता नहीं कोई बहुत ही ऊपर वाले दर्जे पर रख लिया हुआ है। तो आप बिल्कुल इस चीज़ को लेके किसी किस्म के कॉम्प्लेक्स में ना आए, आप एक जबान है, आप बहुत अच्छी बात है, सीखना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, बोलनी चाहिए, आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलें, आपका दिल कर रहा है। और अगर कोई आपको डिस्करेज कर रहा है, उसको खुद नहीं आती है, इसलिए वो आपको डिस्करेज कर रहा पिछले पिछले दिनों है ना, एक मैंने एक छोटी सी वीडियो भी बनाई थी उस पे, कि है। जी उस्ताद साहब नाराज हो गए सवाल पूछने पे। हमारी जामिया नजरिया में ऐसा होता है, आपको पता है। बिल्कुल ठीक है, ऐसे होता है, मुझे एक उस्ताद ने अच्छा निकाला था क्लास से, और कि तुमने सवाल क्यों पूछा है, लाइक वो इतना ज्यादा उसने पर्सनल ले लिया, लाइक उसको जवाब नहीं आता था। और ये मेरी हाँ, पीएचडी में हुआ था, मैंने नहीं पीएचडी का नहीं फर्स्ट एनरोल कराया था, और उसके बाद हाँ, फिर मैं चाहती अर्ज ये है कि मैं कहता हूं कि हमारे हमारे कल्चर में अगर आप कम्युनिकेशन लोगों को सिखा दें, वो इस्तेमाल कहाँ पे करें। अगर सवाल पूछना है, उस्ताद साहब नाराज होते हैं, ठीक है, तो वहां पे बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप इस तलवार को कैसे संभालें, कि आपने इसे करना क्या। देखिए, आपके ये काम का हुनर है, आपको मस्त आना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये कि वहां रहते हुए इसको यूज कैसे करें, कैसे हाँ इस्तेमाल करें, कैसे बेहतर करें, ये मेरे ख्याल एक साइंस है। आपको मशवरा बिल्कुल देना चाहें यहाँ पे। मैं, अच्छा अगर आपको बोलना आता है, मुझे बोलना आता है किसी को भी, तो ठीक है ये अच्छी बात है, आना चाहिए, लेकिन पता है क्या, थोड़ा सा इत्तेदाल पसंदी का रास्ता, मियाना रवि का रास्ता, क्योंकि थोड़ा सा सोसाइटी के हिसाब से चलना पड़ता है, आपने उन्हीं लोगों के अंदर रहना होता है, तो कंप्रोमाइज़ किसी चीज़ का नाम है, लेकिन इस हद तक कि ठीक है, अगर आप सब लोग इस तरह के हैं, तो अगर आप बिल्कुल बागी एकदम से हो जाएंगे, तो वो आपके लिए थोड़ा खतरनाक हो सकता है। तो लाइक वो इत्तेदाल पसंदी का मुजाहरा करते हुए आप कभी भी बेअदबी वाली स्टेज पे मत जाएं, बदतमीजी वाली स्टेज पे मत जाएं। हाँ आप अपनी राय जरूर दें, आपका राय देना हक है, बड़े महजब अल्फाज के साथ, तहजीब वाले अल्फाज के साथ, डिसअग्री करना ना मानना अगले की मर्जी है, तो
तो हम फोर्स नहीं कर सकते अपनी राय को किसी के ऊपर भी। ये एक हमारा ये बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है कि मैं समझता हूँ कि मेरी राय जो है वो बहुत अच्छी है और मेरी राय को तस्लीम किया जाना चाहिए। नहीं, आप डिबेट में हर बंदे की आप राय सुनते हो, आप किसी की राय को गलत नहीं कह सकते हो, वो उसकी राय है। हाँ, आप उससे डिसअग्री कर सकते हो, वो एक अलग चीज़ है। आप इज्जत दो, लाइक आप बहस में भी, आप जो है ना, अगर आपके फ्रेंड्स सर्कल में भी डिबेट होती है तो हम वायलेंट हो जाते हैं, लाइक यू नो पोलिटिकल डिस्कशंस के ऊपर वायलेंट हो जाते हैं, लाइक आइडियाज, लाइक रिलीजन डिस्कशन के ऊपर। भाई वायलेंट क्यों होना है? मुझे वासिफ अली वासिफ की बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लाइक वो कहता है अगर किसी बात को नहीं मानना तो झगड़ा कैसा, मानना है तो झगड़ा कैसा। मतलब कोई अगर आपकी नहीं मान रहा तो आप प्यार से कहो कि ठीक है भाई, बात आप भी ठीक करें, लेकिन बात उनकी भी ठीक है। तो मसलहत भी किसी चीज़ का नाम है। और लाइक यही जो होती है ना डिबेट्स की और ये तकरीर की खूबसूरती होती है कि लाइक देखे ना, जब वो दो आप डिबेट्स करते हो तो एक आपके अगेंस्ट होता है, एक एक जो कोई भी एक नोशन होती है तो एक उसके अगेंस्ट होता है और एक उसके जो है फेवर में होता है। तो आप किसी को भी गलत नहीं बोल रहे होते। जब जज होता है वो पोजीशन उसको भी देता है जो फेवर में हो, वो उसको भी देता है जो लाइक उसके अगेंस्ट अगेंस्ट हो। तो वो सिर्फ इन चीजों को थोड़ा समझने की जरूरत है कि अगर अच्छा, मैं अब हम समेटने की तरफ जाते हैं, क्योंकि हम जी 25-26 मिनट लोगों ने हमें सुना है। हमने दो बातों पे, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन स्किल पे, अगर मैं कहूँ कि सुमेरा आप इसका खुलासा करें कि क्या पॉइंट्स हों जिस पे लोग अमल करके अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की तरफ सफर का आगाज कर सकते हैं, क्या जी पॉइंट्स हैं जिस पे जाके वो कम्युनिकेशन बेहतर कर सकते हैं। उसमें मेरी यही चीज़ है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वैलिडेट योर सेल्फ, डोंट आस्क फॉर अदर टू वैलिडेट यू। सेल्फ ठीक। कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। जब तक आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप किसी से मत एक्सपेक्ट करें कि ज़माना चल के आपके पास आएगा। आपको अपनी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस। तीसरी चीज़ जो है, आप हमेशा तहजीब का दामन मत छोड़िए। लाइक कोई भी आप बहस कर रहे हो, कहीं पे भी हो, अगला बंदा लाख गलत है, आपका थप्पड़ मारने को दिल कर रहा है, बट फिर भी आप मुस्कुराहट रखो और अपने अल्फाज का चुनाव जो है बड़ा खूबसूरत रखो और अपनी पर्सनालिटी को खूबसूरत और इतना चार्मिंग बनाओ कि लोग आपकी बात सुनने में इंटरेस्टेड हों, लाइक लोग आपसे कनेक्ट होना चाहें। आप अपने अंदर पॉजिटिव वाइब्स पैदा करो, पॉजिटिव लोगों को ग्रूम करना शुरू कर दो, पॉजिटिविटी फैलाना शुरू कर दो, लाइक अच्छी बातें बताना शुरू कर दो, सपोर्ट करना शुरू कर दो। लाइक आप कहते हैं ना, जो बांटते हो वही पलट कर वापस आता है। तो अगर लोगों को सुनना शुरू कर दो, लाइक लोग आपको सुनना शुरू हो जाएंगे। तो हमें ना ये पॉजिटिविटी की बहुत ज़रूरत है और सेल्फ लव और केयर और मोहब्बतें बांटने की, ये घुटन वाले माशरे के अंदर पॉजिटिविटी की। और मुझे एक वो जूनियर बच्ची है हमारी, यूएफ की, वो ब्लॉग्स बनाती है, मारिया उनका नाम है, नाम ले देता हूँ मैं उनका। जी तो उन्होंने शुरू किए ब्लॉग्स बनाने यूएफ में, मैं लैब में जा रही हूँ, इस तरह से। तो उनको बहुत ज्यादा तनकीद का सामना हुआ, क्योंकि आप यूएफ में रही हैं, वहां पर एक बच्ची ब्लॉग बनाना शुरू कर दे, ठीक वाह, है। वेल डन मारिया, मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगी आपको। हमें आप जैसी लड़कियों की बहुत जरूरत है। आई रियली अप्रिशिएट यू। और जो आपको तनकीद कर रहे हैं, दे आर द बास्टर्ड्स, लाइक दे डोंट नो हाउ टू डू इट, दैट्स व्हाई दे आर डूइंग दिस। तो मैं मुझे वो बात साथ में कनेक्ट होना शुरू हो गई कि आप जो बातें कर रहे हैं कि उसका आउटकम ये है कि लोग बहादुर हो जाएं। लेकिन बहादुर बहादुर आप पाकिस्तानी माशरे में ऐसे होते हैं कि पहले आप फ्रस्ट्रेट होते हैं तो यकदम बाहर आते हैं, वो खोल तोड़ के बाहर आते हैं, वो जोश से आते हैं, तो वो मतानत नहीं रहती कि आप बात करते हैं फौरन गुस्से में फील होते हैं कि आप गुस्से में हैं, ठीक है। तो वहां पे जी बैलेंस की जरूरत है मेरे ख्याल में। लोगों को बिल्कुल समझना चाहिए ये जो बातें हैं एक दिन में कोई नहीं आनी, कि अगर आज आप सुमेरा की बातें सुन के बहादुर हो जाएं तो आपको उसके बाद हौसला पैदा करना है कि आपने कंसिस्टेंट रहना है इस पे। बिल्कुल। ये अब मैं अपनी बात करूँ, मैं दिन में बड़ा पैशनेटेड फील कर रही होती हूँ, 2 घंटे बाद मैं लो फील कर रही होती हूँ, फिर मैं कुछ ऐसा पॉजिटिव सुनती हूँ कि मोटिवेशनल वीडियो या अपने आप के साथ। आई यूज टू डू मिरर टॉक। मैं अपने आप को कहती हूँ कि सुमारा तुम अपने आप को 2 साल बाद कहाँ देखती हो, व्हाट यू लाइक, व्हाट यू वांट फ्रॉम लाइफ। लाइक अपने आप को, ये मोटिवेशन एक कॉन्स्टेंट प्रोसेस है, एवरी डे। लाइक ये नहीं है कि आप लाइक एकदम बहादुर हो जाएंगे तो आप 8-10 साल बहादुर रहेंगे, कोई गम नहीं आएगा। लाइक एवरी डे प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर वर्स्ट, लाइक या ट्राई योर लेवल बेस्ट, बट लाइक एनी थिंग कैन हैपन एट एनी टाइम एंड स्पेस। सो और जस्ट कम्युनिकेशन को बेहतर करने के लिए आपका टिप्स का हिस्सा रह गया कि कम्युनिकेशन हम कैसे बेहतर करें, लोग, लड़के, हम जैसे सब लड़के और बच्चे, बच्चियां सब। जी उसमें मैंने यही बात बोली है कि कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। लाइक बी कॉन्फिडेंट,
validate yourself, be happy, be positive, and yeah, start reading. Like, you know, जब आप अच्छा पढ़ते हो, आप अच्छा बोलते हो. बहुत सारे लोग हैं, लाइक नॉलेज जीरो है, नाउ हाउ जीरो है दुनिया के बारे में, बट फ्ला ब्ला ब्ला बोली जा रहे हैं. प्लीज लाइक रीड, लाइक यू नो, रीड मेक्स यू ब्यूटीफुल. आपको लाइक दुनिया का कल्चर, होराइजन. अभी मैंने लास्ट परसों किताब ख़त्म की थी, ये सिंगापुर का जो फादर है, लाइक मॉडर्न, लाइक ये जो ट्रांजिशन हुई है, तो लाइक मुझे उससे बहुत कुछ लीडरशिप के हवाले से सीखने को मिला. लाइक मैंने अभी वो पावर ऑफ नाउ ओपरा की ख़त्म की, लाइक यू नो, that's so beautiful, like that's so romantic to read a book. So meri sabse like request hai, please start reading, and after that like jo bhi aap read karo usko khud se write karo ki kya sikha usse, aur apne aap ko positive cheezon mein involve rakho. Bahut negativity outside pe, hamare societies mein suffocation hai, har banda like ek dusre ko judge kar raha hai, judgmental society hai, usme apne aap ko positive rakhna itself एक बहुत बड़ा चैलेंज है. लाइक तो मैं आपसे ये बोलती हूँ, जितनी भी लड़कियां हैं, मेरी बहनें हैं, मेरी दोस्तें हैं, जूनियर्स हैं, प्लीज आपने जो ख्वाब देखा है ना, वो मुमकिन है, वो सब हो सकता है. हिम्मत नहीं हारनी है, बस लगे रहना, डटे रहना है. क्या बात सुमेरा, इसका एंड तो मेरे किसी अच्छे से अशआर से होना चाहिए, ताकि हम लोगों से इजाजत चाहें किसी आने वाले नई एपिसोड के लिए. कुछ कोई अशआर शेयर करें, मैंने लास्ट टाइम भी प्रोग्राम में आपसे रिक्वेस्ट की थी. अच्छा, वो एक शेर है कि मुझे लाइक कोई बोलता है ना, मुझे एकदम से भूल जाते हैं. लाइक पहले मैं ऐसे पूरा दिन सफाई भी कर रही हूँ ना रूम की, बोलेगा तो भूल जाते हैं. अच्छा ये है कि जो अच्छे डिबेटर हैं उनकी जेब में दो तीन इशार जरूर होते हैं, जहां भूल जाते हैं वहां पढ़ने होते हैं उन्होंने. ठीक है, ये एक 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 टिप हम देते होते थे जब यूनिवर्सिटी में. वो आखिरी वाक्य शेयर करता हूँ, हमारे दोस्त हैं तो उनको एक शेर याद था कि भाई हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, गिरे कोई तारा तो जमीन पर नहीं गिरता. अच्छा, अब होता ये था कि चलते चलते तकरीर में ना, वो अगर ये शेर पढ़ देते तो इसका मतलब है कि वो भूल गए. आपने सीखा रखा हुआ है कि मतलब तकरीर भूल गई है. ये शेर मेरे लाइक दिल के बहुत करीब है. मतलब मुझे नहीं पता ये किसका है और राइट है या रॉन्ग है. लाइक मेरे फादर पढ़ा करते थे, जब भी उनकी ट्रांसफर होती थी एक सिटी से लाइक दूसरे सिटी, क्योंकि वो पाकिस्तान आर्मी में थे. तो ये था कि बहुत मिले हैं अब बिछड़ के देखें, बहुत मिले हैं अब बिछड़ के देखें, इब्तदा में लगेगा मुश्किल, बहुत सी रातें ना हम सो सकेंगे. इब्तदा में लगेगा मुश्किल, बहुत सी रातें ना हम सो सकेंगे, कभी इन आंखों को नम करेंगे, कभी इन हाथों को हम मलेंगे, चलो आओ अभी से ये करके देखें, बहुत मिले हैं अब बिछड़ के देखें, बहुत मिले हैं बिछड़ के देखें. वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया सुमेरा आपका, आपने वक्त दिया, और इंशाल्लाह आपसे दोबारा वक्त लेते रहेंगे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए. आप भी किसी मौजू पर बात करना चाहते हैं सुमेरा से, हम इनसे दरख्वास्त करेंगे दोबारा भी. आप कुछ सीखना चाहते हैं, सुमेरा बीजिंग में हैं और PhD कर रही हैं, और स्कॉलरशिप्स के हवाले से हमारा कल एक सेशन है, इनसे भी हम मालूमात लेते रहेंगे, जो भी आपको मालूमात चाहिए. और सुमेरा बहुत पॉजिटिव रही हैं, पहले भी RAD भी अपने अपने फेसबुक पर लाइव करती रहती हैं, इनसे सीखें. और मेरा ख्याल है कि अपनी लाइफ में आप रोल मॉडल्स ऐड कर सकते हैं. सुमेरा बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा. आपका बहुत शुक्रिया, और लाइक anything for Pakistan, like you know, anything that I can. Thank you very much. Bahut shukriya. Inshallah mulaqat hogi. Rab rakha. Zarur. Inshallah. Allah hafiz.